गुड इवनिंग आप सभी बच्चों का, और ट्रिग्नोमेट्री की आउट ऑफ सिलेबस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। थोड़ा सा लेट हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। क्वेश्चन वेट मत किया करिए, क्वेश्चन लगाया करिए आगे। और देखिए, आउट ऑफ सिलेबस में जितना आप पेन चलाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिस करिए लगातार, प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला, कई बार एक ही सवाल को लगाएंगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें सब कुछ जो कुछ है वो फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के ये नहीं हो पाएगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, 725 तक हो गया था, 726 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 726 पे। चल रहा है सब कुछ, आवाज आ रही है? चलिए, 726 पे 1 प्लस cos π/8, फिर 1 प्लस cos 3π/8, और फिर 1 प्लस cos 5π/8, फिर है 1 प्लस cos 7π/8। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए, ये पाई बाई एट है, 3π/8 है। बेटा 5π/8 को भी आप 3π/8 में चेंज कर सकते हैं, और 7π/8 को भी π/8 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइए इन दो को चेंज कर लें, या इधर से भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इन दो को चेंज करेंगे। तो 1 प्लस cos π/8, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 3π/8, और ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos π/3π/8 लिखा जा सकता है, और बेटा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos π/π/8 लिख देंगे। गुड, ऐसे लिख दिया जाएगा। ये हो गया आपका 1 प्लस cos π का मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। अभी मैं इस आउट ऑफ सिलेबस के बाद वो सिलेबस वाली चीज पढ़ाऊंगा आपको, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, उसमें डिग्री और रेडियन मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो पाई का मतलब कोण रेडियन में दिया हुआ, पाई कुछ आगे नहीं लिखा है, मतलब कोण पाई रेडियन है, और पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो पाई बाई एट, और ये हो गया 1 प्लस cos 3π/8, ध्यान दीजिएगा। और बेटा इसको लिख सकते, देखिएगा कॉस 180 माइनस थीटा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा लेकिन माइनस में आएगा, तो माइनस 1 माइनस cos 3π/8 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से ये भी होगा 1 माइनस cos π/8 आ जाएगा। अब देखिएगा आपका 1 प्लस cos π/8 और 1 माइनस cos π/8 क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos² π/8 हो गया। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों मिलके 1 माइनस cos²³π/8 सही है। अब देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं sin²π/8, और इसको लिख सकते हैं sin²³π/8। बाबू देखिए, ये देखिए 3π/8, इसको साइन ए साइन बी के पैटर्न पे लाया जा सकता है। आगे जो भी आंसर है आपका वो किसमें है, आपका न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। इसको आप किस पैटर्न में ला सकते हैं, 2sin A sin B पैटर्न पे ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए बेटा, इसको अगर मैं लिख दूं, देखिएगा 1/4 × 4 sin²π/8 और × sin²³π/8, तो कोई फर्क पड़ा, बताइए कोई फर्क पड़ा। लेकिन ये इस तरीके से आपका किस पैटर्न में चला जाएगा, 1/4 और 2 sin π/8 और × sin³π/8 पूरे का होल स्क्वायर, इस पैटर्न पे आ गया। समझ में आ रहा है, ये आ गया इस पैटर्न पे आपका, हर एक बच्चा देखेगा। ये हो गया 1/4। अब देखिए 2sin A sin B किस फॉर्मूले में मिलता है बेटा, बताइए, cos A माइनस B और माइनस
कॉस ए प्लस बी में मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई एट माइनस थ्री पाई बाई एट, और फिर माइनस कॉस, ये ब्रैकेट में रखिएगा, कॉस पाई बाई एट प्लस थ्री पाई बाई एट ब्रैकेट में, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। सही है, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से, ये क्या आ जाएगा वन बाई फोर कॉस माइनस थीटा, और माइनस थीटा कितना आएगा पाई बाई फोर आ रहा है, माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर का मतलब कितना हो गया माइनस 45 डिग्री। सही है, तो माइनस 45 डिग्री कॉस माइनस 45 डिग्री मतलब क्या आएगा ये कॉस 45 और माइनस, ये देखिए ये कितना आ जाएगा 90, तो क्या आ रहा है कॉस 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है जीरो होती है, पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया वन बाई फोर और इंटू वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर कितना आएगा वन बाई एट, दिख रहा है कि नहीं सब, ये बताइए हाँ सही है ना, ठीक है सही है बच्चे उतना कर लेंगे, सही है सही सही है, जाने दीजिए उतना बच्चे मान रख लेंगे 724। 724 कराया तो था, अब बाद में उस पे आएंगे। हो गया ये थोड़ा लंदी है, ठीक है बेटा हो गया, हर एक बच्चा ध्यान दे बेटा, यहां पर आ गया आंसर 1/8 आंसर आ रहा है, हर एक बच्चा ध्यान दे 724 में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लगा पा रहे हैं बेसिक से, वैसे तो मैंने बेसिक भी बताया था, अगर आपको लग रहा है कि नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या करिए x बराबर 30 रख के कर लीजिए, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है सही है। चलिए इसके बाद आ जाइए 727, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ये थोड़ा बड़ा सवाल था, सारे सवाल दो लाइन के नहीं होते याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बड़े भी होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 727, टैन एक्स बराबर ए बाई बी है, क्वेश्चन है आपका बी कॉस 2x प्लस ए साइन 2x, मेथड वन देखिएगा, टेन एक्स बराबर ए बाई बी है तो टेन 2x की वैल्यू जरा निकालिए, आएगा बेटा 2 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा हम करके ध्यान से देखिएगा, ऐसा जब हम कर लेंगे तो डायरेक्ट वहां से ये मान डाला जा सकता है, समझिएगा अगर ये काम कर लिया जाएगा तो आप न्यूमेरिकली भी कुछ मान रख सकते हैं ए और बी का, उसके आधार पर भी इसका मान निकाल सकते हैं। खैर मैं पूरा बेसिक से ही वैल्यू निकाल दूंगा, ध्यान से देखिएगा 2 इंटू ए बाई बी अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a बाई बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तुरंत बेटा ट्रायंगल मेंटेन कर लीजिए, देखिए ये हो गया 2x, ये एंगल क्या हो गया 2x, ये 90, तो ये आएगा 2ab और ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया समझ में। अब डायरेक्ट इसका मान डाल दीजिए, देखिए मेथड वन से कर रहा हूं डायरेक्ट, देखिए बी कॉस 2x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा रहिएगा यहां, और प्लस ए इंटू साइन 2 सॉरी साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा b का मल्टीप्लाई कर दीजिए बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर b, सही है। अब देखिए यहां से दिखाई दे रहा है
ये चीज बेटा दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो यह आ जाएगा बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कॉमन है बी, तो बी क्यूब का बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लीजिए कैंसिल हो गया, बी आंसर आ गया। एक तरीका ये है, एक तरीका मैंने ये करा दिया पूरा बेसिक से। देखिए चूंकि यहां एंगल 2x था तो यहां भी हम टेन एक्स के बदले टेन 2x निकाल लेंगे। जैसे ही आया ट्राइंगल मेंटेन करके हमने अपना आंसर दे दिया। इससे भी आसान तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, इससे भी इजी वे में ये क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं करूंगा, इससे भी आसान तरीका लगेगा इसका, मैथड टू में बताऊंगा। खैर ये भी आसान है, कैलकुलेशन आराम से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। सभी लोग बच्चे देख ले, आज 12 अक्टूबर है, आज से आपका सीट अलॉटमेंट के लिए डिटेल आपसे ऑफिस में लिया जा रहा है। जो बच्चे डिटेल देंगे तो पहले उनको उनकी सीट अलॉट कर दी जाएगी, जो भी बच्चे डिटेल देंगे सीट उनकी अलॉट हो जाएगी। जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं वो भी परेशान ना हो, कोर्स सबका कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे द स्पीड में वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, कोर्स सबका कंप्लीट कराया जाएगा। मैं इसके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला है, किसी की फीस बर्बाद नहीं जाएगी। चार महीने छह महीने बाद भी आएंगे तो आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपका छूटा हुआ है। कौन सा ये लंबा कहां है, सीधे टेन टू एक्स निकाले, मैं इससे छोटा करूंगा, अभी रुक जाइए, तो मेथड वन है ना मेरा, देखिए। लेकिन ये भी छोटा है, टेन टू एक्स निकाल लिया है और एक बार ट्राइंगल मेंटेन हो गया तो ट्राइंगल से ही तो वैल्यू रखे हैं, अब इससे आसान तरीका कहां हो सकता है। आइए अब मान रख के करते हैं इस क्वेश्चन को हम। अगर आप 726 तो कहते तो मैं मानता कि हां बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। आइए क्वेश्चन था आपका बी कॉस टू एक्स। अब देखिए बेटा यहां पर अगर आप एक्स बराबर ले लेंगे 60 डिग्री तो टेन 60 बराबर आएगा रूट थ्री बाई वन आएगा, तो ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम 60 डिग्री रख देंगे या 30 रख देते हैं तो ज्यादा एंगल में आसानी रहेगी आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। आइए 30 पे अभी मैं चेक कराऊंगा, पहले 60 पे चलिए। आ गया ये बी कॉस 120 प्लस ए साइन 120। अब कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस, ध्यान से देखिए 90 प्लस 30 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 1/2 और प्लस ए इंटू ये हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी कि कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2। अब ए और बी की भी वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू रखिए रूट थ्री और बी की वैल्यू 1, तो 1 इंटू माइनस 1/2 प्लस रूट थ्री इंटू रूट 3/2 कितना आ रहा बेटा, एक आ रहा है, हलो के कितना आया एक, और एक किसका मान था बी का, एक किसका मान है बी का, जीटीओ कर लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बाई बी और चौथा ऑप्शन है बी बाई ए। कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, आराम से आपने मान डाल के इस तरह से हल कर लिया, क्लियर है सारे बच्चों को, सीधे सीधे आ गया। अब देखिए यदि हम एक्स बराबर 30 लिए होते तो क्या होता, वो भी मैं दिखा रहा हूं आपको, हो गया ये, देखिएगा मान रख के कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। अब देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं, अगर हम x बराबर लिए हो तो 30 तो tan 30 इक्वल टू आता 1/√3, ये a की वैल्यू हो जाती और ये b की, तो ये हो जाता 60, ये भी हो जाता 60, तो ये क्या आता b इंटू रूट थ्री, 60 है ना बेटा तो 1/2 और प्लस a इंटू रूट 3/2 ये आता यहां पर। b का मान क्या है, रूट थ्री है तो रूट थ्री, और
इंटू वन बाई टू और प्लस वन इंटू रूट थ्री बाई टू, रिजल्ट क्या आ रहा है? रूट थ्री आ रहा है, सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे, अब जीटीओ में जाएंगे तो एक ऑप्शन है ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू एक होती है, रूट थ्री नहीं है। बी वाले पे आइए, बी, बी की वैल्यू रूट थ्री है यानी कि ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन अभी आगे और चेक करना पड़ेगा। सी की वैल्यू है ए बाई बी, ए बाई बी की वैल्यू वन बाई रूट थ्री, आंसर नहीं हो सकता। डी वाला धोखा दे गया, बी बाई ए, बेटा ये भी आंसर हो सकता है। ध्यान से देखिए, 30 रखने पर दो आंसर मैच कर रहा है, 30 पे दो आंसर, और ये हम एक बार नहीं अनेकों बार बता चुके हैं, जब कोई मान रखने से दो दो ऑप्शन मैच होता है तो मान बदल के रखना चाहिए। इसलिए 60 पे हमारा केवल एक ही आंसर दिख रहा था, तो 60 वाला सिस्टम क्या था? सही था। मैंने आपको, चूंकि आपके साथ ये घटना घटित हो सकती है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 45 रख लो, तो 45 रखने पे तो सिस्टम बन नहीं पाएगा आपका, फिर आएगा 30 रख लो, 30 पे भी सिस्टम नहीं बन पाएगा, 60 पे ही सिस्टम बन रहा है। तो मान रखने में ये चीज होता है कि कभी कभी डबल डबल आंसर मैच कर जाते हैं। तो आपको क्या लगा, बेसिक बढ़िया है कि ये बढ़िया है? आप बता दीजिए हमको, आप खुद कहेंगे सर बेसिक अच्छा है, खुद ही कहेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं थी, आंसर एक बार में आ रहा था। चलिए ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, इसमें डबल डबल आंसर आ रहा है, 60 पे ही सही है, 60 पे सही है। आ जाइए, हर एक बच्चा आ जाए। देखिए जो नए बच्चे हैं उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो क्लास अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, 728 आपका नया बैच, जो बच्चे ले रहे हैं उनका नया बैच आपका ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा, जल्दी ही वो बैच स्टार्ट होने वाला है। क्या है ये? कॉस 2x प्लस 2 कॉस एक्स बराबर एक है। कॉस 2x को कॉस में तोड़ना है तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x। और बेटा रुकिएगा, इसको हम कर देते हैं, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स। बेटा ये हो जाएगा, दो से दो सबका कटा दीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इतना बनेगा आपका बड़े आराम से। अब क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, कर दीजिए ट्रांसफर, तो कॉस की पावर 4x और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वो भी पावर 4 में ही आना है, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए इन टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हर एक बच्चा देखे, अब कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस की पावर 4x, सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे, इतना आएगा। अब देखिए ये आपका कॉस की पावर 4x हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस 1 बेटा लिख देंगे और फिर प्लस 1 लिख देंगे, तो इतने की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, 0 प्लस 1 यानी कि फाइनली 1 आ गया आंसर। ये आंसर एक आ गया, नोट कर लीजिएगा, ये आंसर आपका एक आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, ऐसे कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 728 है, 728। जरा कमेंट में लेना चाहूंगा बच्चों के, मोबाइल उठाइए, नोट करते रहिए इसको आप लोग, कमेंट देख लूं मैं आप लोगों के। कार्तिके सर भी मैसेज किए हैं, देखिए देख लीजिए क्वेश्चन प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कब से आ रहा है, नहीं एरर है। आकाश भाई आपसे ही पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई,
कोई कमेंट नहीं है क्वेश्चन को लेके, कोई कमेंट नहीं। अर्जुन दयाशंकर सेठ आंसर दे दिए थे, मुकेश यादव सब आंसर दे के बैठे हुए हैं, सब लगे हैं। मैक्सिमा मिनिमा चलेगा, हाँ पढ़ाएंगे, वो भी तो पढ़ाना है, वो भी तो पार्ट है आपका। स्मार्टी बैंक रावत, आप लोगों को जिनको एडमिशन लेना है जल्दी ले लीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन जिनको भी एडमिशन लेना है वो जल्दी ले लें क्योंकि समाप्त होने वाला है। अमर आकाश करीब 3-4 दिन से, क्या दिक्कत है, क्या अली बोलन की क्या प्रॉब्लम है? अच्छा इनको क्या प्रॉब्लम है, अमर आकाश और आस्था को? अच्छा नंबर दे दिया, ठीक है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। नसीब इलाहाबादी सर, और छोटा मेथड बताइए, किसका इसका और कौन सा छोटा मेथड होगा? आप ये ना सोचिए हर सवाल 2 लाइन 4 लाइन में निकलता है, 10 लाइन भी लगते हैं क्वेश्चन लगाने में। ये आप क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब, तो इसमें टाइम लग सकता है। आइए देखिए, अब इसके बाद है एकदम छोटा करा है हमने, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर एक बार किया, इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया, सीधे आपको मान रखने से आंसर आ गया, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो स्टेप खा के लिख देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि प्रॉब्लम ना हो। आइए देखिए, अब आ जाइए, आपका 729 है, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 7x और साइन 3x। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2, बेटा ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2x का फॉर्मूला है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 7x और इंटू साइन 3x, होता है ना कॉस 2x का फॉर्मूला, बताइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या अल्फा कर देते हैं यहां पर, कॉस 2 अल्फा का होता है ना ये फॉर्मूला, उसी पे ही आ गया, तो ये बेटा हो गया 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये किस में आता है बता दीजिए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में आता है, तो 2 साइन 14, सॉरी ये तो 2 गायब हो गया, 14 और प्लस 14 एक्स प्लस 3x माइनस साइन 14 एक्स माइनस 3x कितना आ रहा है ये बताइएगा, साइन 17x माइनस साइन 11x। बेटा ए वाला आंसर सही, क्या दम था इसमें, सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, देख लीजिए, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ, हो गया। आइए अब इसके बाद ये किस में आया है ये मैं नोट कर दूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी पे आया है, याद रखिएगा, सही है, इसी फॉर्मेट पे आ रहा है, ये इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, उसी पे लाए हैं इसको हम, क्लियर है सारे लोगों को। अब आ जाइए 729 के बाद 730 पे आइए, 730 नंबर का सवाल है, टेन अल्फा बराबर 1/7 और टेन बीटा बराबर 1/3 है, बेटा कॉस 2 अल्फा का मान चाहिए, तो कॉस 2 अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, होता है कि नहीं ये फॉर्मूला बताइए, होता है, याद रहना चाहिए, फॉर्मूले का ही गेम है सब कुछ, कॉस 2 अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, इतना ज्यादा फॉर्मूला है कि बार बार जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए रट नहीं सकते आप चीजों को, रट के केवल चाहें कि दिमाग में आ जाए, नहीं, रटने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा तब वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगे, रटेंगे बार बार भूलेंगे, तो रटिए लेकिन उसको बार बार अप्लाई करिए तो चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो देखिए कॉस 2 अल्फा का पहली बार फॉर्मूला मैं यहां प्रयोग कर रहा हूं, ये भी एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 अल्फा का, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यहां मान डाल देंगे अगर हम तो 1 माइनस 1 बाई 49 अपॉन में 1 प्लस 1 बाई 49
49. बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 24 बाई 25 आ जाएगा बेटा, सही है, ये cos 2 अल्फा का मान है. अब देखिए GTO इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, जिस ऑप्शन में वैल्यू 24 बाई 25 आ रहा होगा वही आंसर क्या होगा, सही होगा. और सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं 2 बीटा में, यानी कि यहां से वो भी साइन में ही दिया गया, साइन 2 बीटा 4 बीटा 3 बीटा ऐसे दिया गया, बीटा में ही दिया गया है. तो क्यों ना बेटा हम यहां से साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लें. अगर यहां ट्रायंगल हम मेंटेन कर लें, ध्यान दीजिएगा, तो ये अगर बीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 1, ये 3, तो ये अंडर रूट 10 आएगा. तो यहां से साइन बीटा बराबर आ जाएगा 1 बाई रूट 10 और कॉस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 बाई रूट 10, सही है. अब आइए GTO करते हैं. चार ऑप्शन दिया गया है, देखिए एक साइन 2 बीटा दिया गया है. अगर हम साइन 2 बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा. तो बेटा ये बनेगा 2 इंटू 1 बाई रूट 10 इंटू 3 बाई रूट 10, कितना आएगा 6 बाई 10, यानी कि 3 बाई 5 आ जाएगा, सही है. अब आइए बी वाले पे आइए, बी वाला अभी रुकना पड़ेगा. बी वाला 4 बीटा है ना, तो साइन 4 बीटा 2 इंटू 2 बीटा में टूटेगा, तो इसके लिए जरूरत आपको किसकी पड़ेगी, कॉस 2 बीटा की भी जरूरत पड़ेगी. तो हमें सी वाला ऑप्शन पहले ब्रेक करना पड़ेगा, सॉरी सी वाला नहीं, डी वाला, कॉस 2 बीटा. तो कॉस 2 बीटा के लिए लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 9 बाई 10, सही है, और माइनस 1 कितना आ रहा है 8 बाई 10, यानी कि बेटा आ जाएगा 4 बाई 5. अब बी वाले का आंसर देंगे, बी वाला क्या है, साइन 4 बीटा. 4 बीटा को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2 बीटा, लिख सकते हैं बेटा साइन 2 इंटू 2 बीटा, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ कि नहीं, ये तोड़ना सीखिए. तो ये बनेगा आपका 2 साइन 2 बीटा इंटू कॉस 2 बीटा, पूरा डिटेल लिख रहा हूं मैं, चाहता तो खा लेता मैं. 2 इंटू साइन 2 बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3 बाई 5, और इंटू कॉस 2 बीटा की वैल्यू 4 बाई 5. तो 4 तीन 12 दुना 24, 24 बटा 25, बेटा ये आपका बी वाला आंसर सही है. हमको पहले ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम बी का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि बी वाला साइन 4 बीटा है. साइन 4 बीटा को ऐसे तोड़ेंगे, साइन 2 इंटू 2 बीटा में, यानी कि साइन 2 थीटा वाले पैटर्न पे आएगा, तो ये ब्रेक होगा तो आएगा 2 साइन 2 बीटा इंटू कॉस 2 बीटा. अब ये दोनों मान रख देंगे तो यही मैच कर रहा है, ये वाला नहीं मैच करेगा. अब इतना सटीक मैच कर गया तो अब हम सी वाला चेक नहीं करने जाएंगे. सहमत हैं आप लोग, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, ऐसे सवाल आपके पूछे जाएंगे. आज आपका CHSL का पेपर था, आपको मैं बता दूं कि कुछ भी मेरा जितना मैं पढ़ाता हूं उसके बाहर नहीं है. और मैं हमेशा से चिल्लाता रहा हूं कि आए हुए सवालों को फोकस कर लीजिए, आप 85 से 90% हमेशा रहेंगे. वही हो रहा है, वही हो रहा है. आए हुए सवालों को मैं बार बार कहता हूं केवल कवर कर लीजिए. दो चार एक सवाल जो कैट लेवल के आप आ जाते हैं, आप उसके चक्कर में सोचते हैं कि अरे अभी तक तो मेरी पढ़ाई अधूरी है, मैं तो ऐसा सवाल लगाया ही नहीं, तो आप मूर्ख होते हैं, याद रखिएगा. अगर आप ये सोचते हैं, एकाध दो सवाल कठिन तो हर पेपर में दिखेगा, हर पेपर में कुछ नया दिख जाता है, तो वो मेरिट डिसाइडिंग थोड़ी होता है, मेरिट उस पर डिसाइड थोड़ी होता है. आपका मेरिट तो आपके 90% क्वेश्चन पे डिसाइड होता है, 95% क्वेश्चन पे डिसाइड होता है. SSC में करके आइए आप 85%, क्या एक पोस्ट नहीं मिलेगी आराम से? 85% करके आइए, आराम से एक पोस्ट मिलेगी. आप 100 के पीछे क्यों भाग रहे हैं बताइए? टॉपर भी इंस्पेक्टर बनेगा और लास्ट रैंकर भी इंस्पेक्टर बनेगा, समझिए बात को. टॉपर को भी इंस्पेक्टर बनना है और जो एकदम स्टार्टिंग मेरिट में रहेगा वो भी इंस्पेक्टर बनेगा, क्या फर्क है उससे? ऐसा थोड़ी कि आप टॉप कर जाएंगे तो कोई इंक्रीमेंट मिलेगा आपको या प्रमोशन में आपको फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ बस ये होता है कि स्टेट प्रिफरेंस में आपको फायदा हो जाता है अगर आपके नंबर अच्छे होते हैं तो. ऐसा थोड़ी है कि आप सीनियरिटी काउंट होगी आपकी, कभी नहीं. तो आप 100 के पीछे क्यों भागते हैं? और 100 के पीछे भागकर आप डिप्रेस हो जाते हैं. आप 90 करिए, डंके की चोट पे आपका सिलेक्शन होगा. 90 करके आइए, 95 करके आइए, डंके की चोट पे आपका सिलेक्शन होगा. दो चार सवालों के लिए आप मरने लगते हैं, गलत बात है. ठीक है, चलिए देखिए. और टीचर भी आपकी इस कमी का फायदा खूब उठा लेता है, यूट्यूब का टीचर.
ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन कैट के लाके कराएगा, आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो यह ही नहीं रहा था, सर से मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग करने का तरीका होता है कि ये दिखा दो वो दिखा दो, बच्चे आकर्षित होंगे और एडमिशन लेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं बेटा, तीनों पेपर जो तीनों शिफ्ट के थे सब सेम आए थे, याद रखिएगा, सब मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के थे। आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने दिया भी था, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं पढ़ाया था। खैर पेपर आएगा तो और अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं तो मैं रात में उसको डिस्कस भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए जितने क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे आए हैं सबको हम तो सब सेंड करिए एक बार, और उसका पीडीएफ नहीं बना क्या? अच्छा नोट करा के करा दूंगा, क्या दिक्कत है। चलिए आइए आइए, देखिए 731 में मैथ में आपको कंप्लीट ज्ञान दे रहा हूं, इसके बाहर कुछ होने वाला नहीं है, और बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको हर एक एक चीज दी जा रही है, मेरे पे पूरा भरोसा रखिए, और जिस तरह से मैं आपको तैयारी करने को कह रहा हूं बस वैसे करिए, इंस्पेक्टर बनेंगे आप। आइए देखिए 731 साइन 2α प्लस 2α इज इक्वल टू 3/2 है। अब देखिए साइन 4α की वैल्यू चाहिए, मतलब बात तो वही हो गई, साइन 2 इंटू 2α ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो यह आएगा 2 साइन 2α इंटू 2α, फॉर्मूला याद रहे बेटा। तो यह चीज कैसे निकल के आएगी, इसका वर्क कर देने से प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी, इसका वर्क करेंगे तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। आइए वर्क कर देते हैं, कंडीशन था वर्ग, वर्ग करने पर यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 2α प्लस कॉस स्क्वायर 2α प्लस 2 साइन 2α इंटू कॉस 2α इज इक्वल टू 9/4। देखिए इसकी वैल्यू एक होगी कि नहीं, एक हो जाएगी इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होगी एक, और ये 1 प्लस हो गया 2 साइन 2α इंटू कॉस 2α बराबर 9/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन 2α इंटू कॉस 2α बराबर 9/4 माइनस 1 यानी कि 5/4। अब दो को इधर भेज दीजिए तो आएगा, अच्छा यही चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हैं, साइन 4α बोल सकते हैं, और यही बराबर किसके आ गया 5/4, इसको यही तो बोलेंगे, आ गया आंसर। देखा बच्चों कितना आराम से लगा लिया आपने क्वेश्चन, है परेशानी बोलिए, परेशानी है तो बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो बोलिए। ठीक है आस्था बेटा, देखिए सबका अलग अलग मन होता है, इंस्पेक्टर नहीं बनना तो और कोई बड़ी पोस्ट है आपकी, जैसे AA लेना है आपको, या आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है आपका, जैसे CSS में असिस्टेंट होते थे, या फॉरेन मिनिस्ट्री में जाना है, बहुत सारे आकर्षक पद होते हैं आपके CGL के, बहुत सारे आकर्षक पद होते हैं, और CGL एक ऐसा जॉब प्रोवाइडिंग आपकी आपका एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप अपना IAS बनने का जो ड्रीम है बुढ़ापे तक तो पूरा कर ही लेंगे, लास्ट में IAS कैडर तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो एक बहुत कहा जाए प्रतिष्ठित पद CGL के थ्रू प्राप्त होता है, इवन अगर आप ऑडिटर भी बने हैं तो 3 साल बाद डिपार्टमेंटल देकर आप AA हो जाएंगे, असिस्टेंट अकाउंट अफसर या ऑडिट अफसर हो जाएंगे, समझिए बात को, बहुत फायदा है इसमें। आइए एक बार और, कौन पूछा है रोशन बेटा, समझ लीजिए, देखिए साइन 4α को साइन 2 इंटू 2α लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन 2 थीटा के फॉर्मूले पे ही आया, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इस पर सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पैटर्न पे आ गया, आ गया। और ये चीज मिलेगी कहां से, इसी का डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर 2α प्लस कॉस स्क्वायर 2α, थीटा थीटा 2α है आपका, सीधे 1 हो जाएगी वैल्यू आपका, सीधे इतना आ गया 5/4, इसी का मतलब है साइन 4α, इसी का तो मतलब है साइन 4α बराबर आ गया 5/4, लग गया क्वेश्चन। आइए 732 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 732 पे आइए, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री
माइनस वन अपॉन कॉट स्क्वायर 15 डिग्री प्लस वन। बेटा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 15 बटा साइन स्क्वायर 15 माइनस वन। दीपक सर आ चुके हैं और कॉस स्क्वायर 15 और अपॉन साइन स्क्वायर 15 और प्लस वन। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, ध्यान दीजिएगा, और अपॉन में कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, वो जो डेनोमिनेटर था ऊपर नीचे सेम था, कट जाएगा। ये देखिए किसके फॉर्मूले में आएगा, कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए कॉस 2 थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा होता है कि नहीं बता दीजिए, ये कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, फॉर्मूले का ही पूरा गेम है, याद रहे फॉर्मूला। अब देखिए ऊपर लिख सकते हैं आप कॉस 2 इंटू 15 सही है, अपॉन में बेटा इसकी वैल्यू 1, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही तो होगा। अब ये कॉस 30 हो गया और इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये आंसर है आपका √3/2, ये आंसर है आपका। एक भी सवाल मेरा पढ़ाया हुआ जो है बाहर नहीं होने वाला, सब के सब पूछे जाएंगे कभी ना कभी आपके पेपर में। ये सब मैं व्यर्थ के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस, बहुत सोच विचार के ये सब क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मैं समय थोड़ी आपका बर्बाद कराऊंगा ये सब क्वेश्चन करा के। सवाल इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपके सीजीएल एग्जाम में फायदा पहुंचाए, और बच्चे इसको नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। अमर आकाश आईपीएल में बिजी हो गए हैं कुछ स्टूडेंट हमारे, ऑल फ्रेंड। आस्था देखिए बच्ची कह रही है लाइक शेयर करिए, बेटा करते रहिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लाइक शेयर तो करते रहिए ना। अब ऑफलाइन कोचिंग खुल जाने दीजिए, क्लास में बैठा बैठा के लाइक शेयर करवाऊंगा मैं। चलिए 733, आज काफ़ी सारे बच्चे आए थे अपना सीट अलॉट कराने के लिए, अभी समय है, आज 12 अक्टूबर था, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक टाइम है, आकर सीट अलॉट करा लीजिए, जो पहले आएगा वो आगे सीट पाएगा। अब आ जाइए 733, मेथड वन से देख लीजिए, मेथड वन, टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन फोर अल्फा एट कॉट एट अल्फा। बेटा देखिए बेसिक से कर रहा हूं, टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन की पावर फोर अल्फा, सॉरी फोर टेन फोर अल्फा प्लस एट बाई ये कॉट है, इसको लिख सकते हैं टेन एट अल्फा, एट अल्फा का मतलब टू इंटू फोर अल्फा लिखा जा सकता है, आ रहा है समझ में, तो टेन टू अल्फा के फॉर्मूले पे इसको हम उठा लेंगे। देखिएगा टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा स्टेप खाऊंगा मैं, अब यहां पर देखिए नीचे है तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, समझ रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन फोर अल्फा प्लस, देखिएगा इसको लिख देंगे एट ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर फोर अल्फा अपॉन में टू टेन फोर अल्फा, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। अब इन दोनों को क्या किया जाएगा, एक साथ सॉल्व किया जाएगा, तो टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस, यहां से ये हो गया एलसीएम, इन दोनों को साथ में ले लीजिए, बड़ा ब्रैकेट चिपका देते हैं यहां पर। देखिए क्या हो जाएगा, ये टू टेन फोर अल्फा, तो बेटा ये हो जाएगा एट टेन स्क्वायर फोर अल्फा प्लस आठ का अंदर मल्टीप्लाई कर लूं एट माइनस एट टेन स्क्वायर फोर अल्फा, निपट गया ये सही है। देखिएगा अब यहां पर फिर से हो गया टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा, और देखिए ये हो गया एट अपॉन या एट अपॉन टू टेन फोर अल्फा दिख रहा है, अब लिख देते हैं हम एट अपॉन टू टू से रुकिए कटाऊंगा अभी टेन टू इंटू टू अल्फा,
और दो चौके आठ, सही है। तो टेन टू थीटा पैटर्न पे फिर से ये आ गया। तो देखिए यहां करूंगा मैं इसको, फिर से ये आ गया। इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा और प्लस फोर ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर टू अल्फा अपॉन में टू इंटू टेन टू अल्फा। बेटा आप देखिए इसको और इसको साथ में ले लीजिए तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस, सॉल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका, ये आपका तो अभी कहाँ चला गया, ये दो से दो कट जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये टू माइनस टू टेन स्क्वायर अल्फा और ये टू टेन टू अल्फा। अभी फिर से करना पड़ेगा, यहाँ जगह कम है, सब एक साथ हो गया। चलिए हो गया ये सारी चीज़ें, हर एक बच्चा देख ले, अभी मैं वहाँ नहीं कर रहा हूँ, जगह कम है वहाँ पर। अब मैं यहाँ मिटा देता हूँ। देखिए इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा टेन अल्फा टू टेन टू अल्फा, ध्यान दीजिएगा, प्लस फोर ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर टू अल्फा अपॉन टू इंटू टेन टू अल्फा, दो दूना चार। अब देखिए इसको और इसको साथ में ले लीजिए, टेन अल्फा प्लस ये आ जाएगा टू टेन स्क्वायर टू अल्फा और प्लस टू और माइनस टू टेन स्क्वायर टू अल्फा अपॉन में टेन टू अल्फा। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। तो बेटा अब क्या बचा, अब बच गया आपका टेन अल्फा और प्लस टू अपॉन टेन टू अल्फा। फिर एक बार कहानी बनेगी, ध्यान से देखिए, फिर एक बार कहानी बन गई। तो यह आएगा आपका टेन अल्फा प्लस टू ब्रैकेट में वन माइनस अल्फा अपॉन टू टेन अल्फा, कट गया, क्या आएगा टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस वन माइनस अपॉन टेन अल्फा। ये देखिए कट गया, वन अपॉन टेन अल्फा का मतलब निपट गया सवाल, देखा आपने। ये धैर्य की परीक्षा थी हमारे, देखिए कितना आराम से मैंने किया है, तीन बार लगाया है ये फॉर्मेट, मेथड वन है ये, इससे छोटा तरीका भी मैं कराऊंगा आपको। इस तरह से अगर आप लगा रहे हैं मतलब आपका डर समाप्त हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट आप 18 अक्टूबर तक करा सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वाला आशुतोष पांडे अभी नहीं पढ़ाया है, जल्द ही पढ़ाने वाला हूं आउट ऑफ सिलेबस के बाद। ऑनलाइन क्लास का ऑफर दो दिन ही बेटा रहेगा, ठीक है। सी आंसर दिया है श्वेता ने, ठीक है। अब आइए आसान तरीका देखिए, है तो मजेदार तरीका यह भी कि लास्ट से उठाना शुरू किया है और तीन बार ये आपने टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला प्रयोग कर लिया, मजा आया होगा लगाने में। लोगों को सोल्यूशन देख के लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब एक बार मार्कर उठा लिया तो मार्कर रुकता नहीं है, आंसर ही आगे रुकता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है ट्रिग्नोमेट्री, बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था इसको लगाना। मतलब लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आता था जो एक खुशी जो अंदर से मिलती थी वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इंटरवल में हम लोग हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाया करते थे। चलिए देखिए, मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, बाद में तो कैलकुलस वगैरह में बहुत मजा आता था। आइए मेथड टू देखिएगा, टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन फोर अल्फा प्लस एट कॉट एट अल्फा। बेटा अल्फा बराबर क्या रख लें, 60 डिग्री, 30 डिग्री भी रख सकते हैं, दो ऑप्शन मैच करेंगे 30 डिग्री रख के आपके साथ धोखा हो सकता है इसमें, और अगर 60 रखेंगे तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, 30 रख के देखेंगे तो दो मैच करेगा, देख लीजिएगा। ये हो जाएगा टेन 60 प्लस टू टेन 120 प्लस फोर टेन 240 प्लस एट कॉट
480 मान रखना शुरू करते हैं। देखिएगा टेन 60 का मान हो जाएगा रूट थ्री प्लस टू इंटू टेन 120 का मान हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कॉट 30, तो माइनस कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस रूट थ्री और प्लस 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60 थर्ड में जाएगा तो प्लस ही रहेगा, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो टेन 60 हो गया, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री बेटा प्लस 8 इंटू देखिए 480 का मतलब लिख सकते हैं कितना बताइए, इसको लिखा जा सकता है बेटा 5 आप 5 इंटू लिख सकते हैं 90 और प्लस कितना हो गया 30, ठीक है तो 5 इंटू 90। अब बताइए 5 इंटू 90 में जो 4 इंटू जो 90 होगा वो तो पूरा एक कंप्लीट राउंड होगा, मतलब एक 90 आपका क्या हो गया बचा, एक 90 आपका बचा, तो 90 प्लस 30 पैटर्न पे जा रहा है ये, तो ये किस में जाएगा बताइए, सेकंड में जाएगा, कन्वर्जन होगा हाँ होगा, तो 10 माइनस 30 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइएगा कितनी, -1/√3 बेटा हो जाएगा, ठीक ब्रैकेट में डाल लीजिए, हल करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, हल करने पर ये वैल्यू आ रही है 1/√3, सभी लोग हल करके देख लीजिए आ रहा है। अब GTO हो लीजिए, ए है tan अल्फा, बी है tan 2 अल्फा, सी है cot अल्फा और डी है कॉट 2 अल्फा, पक्का यही आंसर क्या करेगा मैच करेगा कॉट अल्फा वाला, देख लीजिए 1/√3 मतलब कॉट अल्फा वाला ही मैच करेगा, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से, ऑफिस खुल चुकी है, ऑफिस खुल चुकी है, मैक्सिमम मिनिमम एकदम स्टार्टिंग से कराएंगे, अभी तक जितना हम पहले पढ़ाया करते थे मैक्सिमम मिनिमम उसका मैं डेढ़ गुना मैक्सिमम मिनिमम आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है डेढ़ गुना, अभी तक मैं जितने भी बैचेस में पढ़ाता था मैक्सिमम मिनिमम डेढ़ गुना पढ़ाऊंगा। विवेक यादव कोई बात नहीं, वीडियो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है चलिए आ जाइए। 30 पे धोखा हो जाएगा, दो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा आप लोग, आइए 734 है tan 10 और -tan 50 +tan 70 बेटा देखिए इसका शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट ये हमेशा ऐसे ही लगेगा शॉर्टकट से, लिखा हुआ है कहीं tan अल्फा प्लस tan 60 प्लस अल्फा फिर -tan 60 -अल्फा, इसका मान बेटा क्या होता है 3 tan 3 अल्फा होता है, याद रखिएगा याद रखिएगा। ये आपका एक मैंने इनटू वाले पैटर्न पे नोट कराया था, पीछे एक शॉर्टकट था ना साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा का नोट कराया था कि नहीं बताइए। अब यहां ये प्लस और माइनस वाले पैटर्न पे है तो ये शॉर्टकट आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में रखे जाते हैं, अगर आप लगाने जाएंगे तो समय की बर्बादी है। आप इस शॉर्टकट पे इसको रख लेंगे इस पैटर्न पे tan अल्फा प्लस tan 60 प्लस अल्फा माइनस tan 60 माइनस अल्फा बराबर आंसर सीधे क्या होता है 3 tan 3 अल्फा। तो बेटा ये क्या है, ये आपका अल्फा है, ध्यान से देखिए ये अल्फा है तो ये 60 माइनस अल्फा है तो ये 60 प्लस अल्फा है, क्लियर है। तो इसका सीधा रिजल्ट क्या होगा बताइए 3 tan 3 tan 3 into 10, तो यह आ जाएगा 3 into tan 30 की वैल्यू 1/√3 यानी कि रिजल्ट आ गया, ये आपका आंसर है। ऐसे करेंगे, दिमाग में बैठाइए इन चीजों को। कॉट में भी सेम यही पैटर्न हो जाएगा 3 cot 3 alpha हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी पर ये लगेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ले लिया जाए, अर्जुन दया शंकर सेठ क्या कह रहे हैं 45 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा मतलब एसटी देना है बेटा तो एसटी दे सकते हैं, लीवो लंच एसटी चल रही है ले सकते हैं। सर आज किए थे कुछ ना बताएं,
ऑफलाइन क्लास 19 अक्टूबर से खुशी चलेगा। विनय साहू क्या किए थे, क्या नहीं पता चला? गोविंदपुर ब्रांच के लिए परेशान मत होइए, वो चलेगा एज इट इज, जैसे चलता है। वो तेलियरगंज शिफ्ट हो चुका है, गोविंदपुर आपका चलेगा। उसके लिए सीट अलॉटमेंट के लिए परेशान मत होइए, राहुल सर आज या कल में आ जाएंगे तो उसके बारे में बैठ के विचार हो जाएगा, कोई परेशान ना हो। देखिए जो बच्चे किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं वो एकदम चिंता नहीं करें, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ऑफलाइन में मैंने एडमिशन लिया तो ऑफलाइन आपका मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊं, आप एकदम चिंता मत करिए। बहुत सारे बच्चों की स्थिति ये होगी कि चलो दिवाली बाद आएंगे, या बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी, सच्चाई है। इस कोरोना के टाइम में बहुत लोगों की नौकरियां छूटी हैं, आर्थिक रूप से बहुत लोग कमजोर हुए हैं, तो 7 महीने लगातार झेलना, बहुत लोगों की उधारी हो चुकी होगी, समझिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मैं फील कर सकता हूँ सारी समस्याओं को। तो बच्चों को छूट मिलेगी, आप 2 महीने बाद आएँ, 4 महीने बाद आएँ, आपको छूट दी जाएगी, ठीक। NTPC का जो बैच है वो ऑफलाइन स्टार्ट, सॉरी ऑनलाइन दीपक सर अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेनी है, तो बैच नहीं लेंगे, वो आएंगे तो आज बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ ऑफलाइन चालू हो रहा है 19 अक्टूबर से, जिसको भी पढ़ना है वो अपना सीट अलॉट करा ले आकर ऑफिस में, सिविल लाइंस वाले ब्रांच पे। गोविंदपुर वाले और कटरा वालों को कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लीवोलन पर ट्रांसफर किसी का नहीं है, याद रखिएगा, लीवोलन पर ट्रांसफर किसी का नहीं है, हर एक बच्चा ध्यान दे। स्पीड स्लो है अर्जुन दयाशंकर, बेटा आप स्पीड स्लो, ये कोई बीमारी, ये कोई समस्या नहीं है, आप सवालों को लगाते रहिए, बार बार लगाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आपको एहसास तक नहीं होगा कब आपकी स्पीड बढ़ गई, जादू हो जाएगा, बस सवाल लगाते रहिए लगातार, ठीक है। अंजलि का क्या कमेंट है, सर जो बच्चे अभी नहीं आ पाएंगे उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा क्या? सर नहीं, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, एप्लीकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप आएंगे तो उस समय एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। आप तो हमारे क्या रिकॉर्ड में है ना, तो अगर आप जब भी आएंगे तो वो तो देखिए, अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड में डालकर ही उनको क्लास कराया जाएगा, तो मुझे पता रहेगा कौन बच्चा क्लास कर रहा है और कौन बच्चा क्लास नहीं कर रहा है। अगर अभी नहीं दे पाएंगे एप्लीकेशन या कुछ भी, तो एकदम मत परेशान होइए, ये नहीं कि केवल एप्लीकेशन देने के लिए 200 किलोमीटर से ट्रेन से आ जाए यहाँ पर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, जब आप आएंगे एप्लीकेशन दीजिएगा, उसके बाद जैसे ही सीट अवेलेबल होगा आपके बैठने का प्रबंध कर दिया जाएगा। क्लास कराऊंगा मैं सबकी, क्लास में सबकी कराऊंगा। हाँ स्टडी स्मार्ट इंडिया कटरा वाले अपने टाइम पे जो बैच चल रहा था वो पढ़ेंगे वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कटरा वाले वहां पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोचिंग हाँ सेम डेट पे 19 अक्टूबर से ही चालू होगा, ठीक। हाँ दीपक सर आ चुके हैं, ठीक ओके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेटा आप लोग कर दीजिए तेजी से, ये नहीं कर रहे हैं आप लोग। बस मेरा समय समाप्त हुआ, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, थैंक यू।